स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस टावर्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 389 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट लेवल बना है वो 378 रुपीज पर है। इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है और यहीं से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में अगर हम रुकावट रेंज देखें तो वो है 418 रुपीज पर। स्टॉक उस प्राइस तक नहीं गया, ऊपर में स्टॉक ने 400 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया और ऊपरी लेवल पर फिर से एक करेक्शन देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यह भी है कि स्टॉक में जब गिरावट देखने को मिल रही है तो वहां पर वॉल्यूम की मात्रा काफी कम है, जबकि जब स्टॉक ने 378 रुपीज पर सपोर्ट लेवल बनाया था तो वहां पर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की मात्रा काफी अच्छी थी। तो इससे ये पता लगता है कि 377 रुपीज पर एक अच्छी बाइंग जोन देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 378 रुपीज के पास का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 400 रुपीज, अगर स्टॉक ऊपर में 400 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाने में सफल होता है तो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 420 रुपीज का बनता हुआ नजर आएगा। 420 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका रीजन है कि पहले स्टॉक का इस प्राइस पर एक सपोर्ट लेवल था, पर जब कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो उस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक को होल्ड करें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा।